अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ज़ैनब और आज मैं आई हूं वादी कश्मीर नीलम वैली में। और ये मकाम है कुटन से आगे केल और केल से आगे अरन केल में हम आए हैं। बहुत खूबसूरत वैली है और इतना खूबसूरत यहां का मंज़र है कि मबहूत कर देने वाला। अल्लामा इकबाल ने जितनी पोइट्री की है और जितना उन्होंने मंज़र कशी की है मुर्गो लाल आज़ार की, मुझे लगता है यहीं बैठ के किए। और अगर आप व्यू करें मेरे पीछे तो आपको झरने पानी के झरनों की आवाज़ें आ रही होंगी। आइए मैं आपको लेके चलती हूँ इस खूबसूरत वादी की सैर कराने के लिए। बहुत ही खूबसूरत धूप निकली हुई है और अगस्त का महीना है, अगस्त की धूप है ठंडी और यहाँ पे काफ़ी ठंड है, इसलिए मैंने स्वेटर भी पहना हुआ है। बहुत खूबसूरत मंज़र है, इतना खूबसूरत कि अल्फाज इसके पीछे बहुत छोटे रह जाते हैं, लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। तो अगर आपने नॉर्दर्न एरियाज की सैर करनी हो तो मेरा मशवरा यह है कि आप कश्मीर की सैर करें, वादी नीलम की सैर करें और देखें कि कितना खूबसूरत वाकई कश्मीर जन्नत नज़ीर है। सिर्फ हमने पहले तो किताबों में पढ़ा था और शायरी में सुना था, लेकिन आँखों से देखने में और पढ़ने में बहुत फ़र्क है। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको लफ्ज़ों में मतलब लिखूं इस सारी रुदात को जो हमने ये ट्रैवल किया, और लिख के इसको अपना महफूज कर लूं। तो लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स को बता नहीं सकती आपको कि कितना सुकून है यहाँ पे, कितनी खामोशी है, परिंदों की आवाज़ें हैं, झरनों की आवाज़ें हैं और एक ऐसा सुकून है जो शहर की ज़िंदगी में आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि हमारी लाइफ बहुत फास्ट है, बहुत बिजी है। वहाँ पे हम खाते भी जल्दी जल्दी हैं, बोलते भी जल्दी जल्दी हैं, हर काम तेज़ी में हो रहा होता है, हर कोई दौड़ में लगा हुआ। यहाँ आके एहसास होता है कि नेचर क्या है, खूबसूरती क्या है और क्यों अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप सैरों से हाथ करें और अल्लाह की कुदरत की निशानियों को देखें। और ये जो नीलम दरियाए नीलम है, वाकई पहाड़ों का सीना चीरता हुआ ऐसे शोर मचाता हुआ जाता है कि इंसान दंग रह जाता है। सारे सफ़र में हमारे साथ साथ दरियाए नीलम रहा और बहुत सारी वाटरफॉल्स देखी, लेकिन ये जो वैली है बहुत खूबसूरत है। हमें तकरीबन एक घंटा लगा, हमने हाइकिंग की है क्योंकि पैदल चलने का रास्ता था, एक घंटा हमने हाइकिंग की है। सुबह सुबह 6 बजे हम रवाना हुए केल से और तकरीबन एक घंटे का सफ़र करके हम यहाँ ऊपर पहुँचे हैं अरन केल में। और दरिया क्रॉस किया हमने थ्रू वो जो होते हैं चेयर लिफ्ट्स, और अब यहाँ पे हम एक दो घंटे स्टे करेंगे और फिर वापस पहले चढ़ाई तो की है, अब उतराई भी करेंगे, उसके बाद नीचे जाएंगे अपने स्टेशन पे और फिर हमने कुटन जाना है वापस। कुटन के साथ कुटन में जहाँ हमारा स्टे है उसमें जो है दरियाए नीलम बिल्कुल साथ है, तो मैं अपने सफ़र में आपको साथ साथ लेके चलूँगी ताकि वो लोग जो यहाँ नहीं पहुँच सके वो भी इस मंज़र को एंजॉय कर सकें और उसको विजुलाइज कर सकें, इमेजिन कर सकें। मैं बहुत छोटे होते बचपन में ये चीज़ें इमेजिन किया करती थी जब पढ़ा करती थी। अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने मुझे मौका दिया इन चीज़ों को, इस इतनी खूबसूरती को, इस फितरत के इस हुस्न को अपनी आँखों से, जिंदा आँखों से देखने का। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और मेरे ख़्याल में जिस जिसको मौका मिले उसको ज़रूर कश्मीर का सफ़र करना चाहिए और देखना चाहिए, और ये दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको भी आज़ाद कर दे और कश्मीरियों पर जो जुल्म हो रहे हैं उसको ख़त्म कर दे। आमीन।
शहर पे। और ये कुटन वैली है, वादी कश्मीर में कुटन का एरिया है जहाँ पे हमने स्टे किया है। और ये देखिए मेरे पीछे दरिया बह रहा है, दरिया नीलम। ये सारा शोर उसी का आ रहा है। बहुत खूबसूरत एरिया है ये, बहुत ही खूबसूरत। मैं आपको भी दिखाती हूँ। और इतना सुकून है यहाँ पे, और इतनी इतनी नेचर इतनी करीब है आपके कि आपका दिल खुश हो जाता है। किधर वो देखे मेमे हसन, ये किसका मेमा है? अच्छा, तो अगर आपने सैर करनी है तो सिर्फ कश्मीर की करें भाई, वाकई जन्नत नज़ीर है। मैंने तो पहली बार देखा है, तो बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत पुरसकून एरिया है। और ये है कुंडल वाटरफॉल जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं। वाटरफॉल अड़न केल में दरिया क्रॉस करने के लिए अपनी लाइन में लगे हुए हैं। और हम ये देख रहे हैं कि ये पालकी टाइप चीज़ है जिसमें एट अ टाइम 8 लोग बैठ सकते हैं, और इसके अंदर बैठ के वीडियो बनाना मुश्किल है। ये आप कश्मीर का व्यू करें और पालकी को देखें, ये जा रही है। चेयर लिफ्ट कह सकते हैं। अल्लाह जी चीज है मड़ा के बच्चा, एक बच्चा है, एक बच्चा तो एक बच्ची। अच्छा, शाम तेरो का फानी होया। अम्मा थोड़ी उम्र कितनी है? कास को पता है ये बच्चे पाकिस्तान जब बनया सी तुसी उस वक्त पाकिस्तान बनया सी उनु कितने साल बड़े सी? पाकिस्तान बनया बस निकली निकली आ से छोटे छोटे बच्चे आ। हां छोटे, पर याद है कि पाकिस्तान बनया ही था ए जे साले पाकिस्तान बो को याद है जे साले था पाकिस्तान बने ते इस मुल्ख होंगे अस अगे खतरी ते पर अस ते चौकीदार हुंदा उसको असे करना दा। अच्छा, और ये पर माड़े भ्राऊ पतरेरे दे मुकाम ने मुतरे चौकीदार। अच्छा, ते ओ थोड़ी थोड़ी याद है बको जिस ये इनकलाब उठे तो नठे। अच्छा, ओ नठे इतो। अच्छा, ओ नठे चौकीदार ते और दुकाना से सट के नठे। अच्छा, सारे कारोबार छोड़ के? सारा कारोबार छोड़ के गए तो बार ओज पे छा के आखे लक बन के खटिया तो हाथ बन के सटिया तब बलखान सब के सट के नठे तो गए। बस वो चौकीदार किस ते कह रहे और वो कुछ ज्यादा इनकलाब बस अच्छा फौजा आई पर छल देना चढ़िए छके लोगों ने मकान होंगे अस। अच्छा, तो सारा के बड़िए बच्चे तो बस ओ खास साल हो गए अनी जमीनी है माड़ी छी बड़िया दो भेन अस फानी हुई पर साल अजा नहीं हो दोनों फानी
मिड़िया का स्याले हानि होया तो ब्रा भी जो देख माड़ी छी बड़ा असा निकड़ो भी पानी अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, अल्लाह जन्नत नसीब करे। मां दुआ करो साडे वास्ते।